हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्चुअली, ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी है वेई की, जो एक इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ है। वेई अपने पास्ट रिलेशन में इतना धोखा खा चुकी है कि उसे लगता है कि कोई आदमी उसके लिए परफेक्ट है ही नहीं, कोई नहीं है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है, जिसके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकती है। वेई अपनी कंपनी में भी बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे काम में लेजीनेस, गंदगी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए उसके एम्प्लॉय भी उसे बहुत सारे निकनेम से बुलाते हैं, जैसे कि कोल्ड हार्टेड, पत्थर दिल वगैरह वगैरह। वहीं हमारा मेन लीड शाओबो एक कुरियर डिलीवरी मैन है, जो कभी एक पैरा ट्रूपर हुआ करता था। वो अपने काम से बहुत प्यार करता है और साथ ही अपने भतीजे से भी, जो जन्म से सुन नहीं सकता और उसे कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। कोक्लियर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सुनने में आपकी हेल्प करती है। वे ही अपने सेक्रेटरी विवान पे बहुत ट्रस्ट करती है, तो एक दिन वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी रिलेशन में फिर से नहीं आएगी, क्योंकि कोई रिलेशन स्ट्रांग और फेथफुल नहीं होता सिवाय एक माँ और बच्चे के। तो वो अपने लिए एक स्पर्म डोनर खोजेगी जिससे वो माँ बन सके, और इसकी जिम्मेदारी वो विवान को देती है, जो वेई के असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के नाम पे कुछ मेल्स का इंटरव्यू लेती है, ताकि उनके बारे में जान सके कि वो लोग कैसे हैं, उनकी हॉबीज क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, बिहेवियर कैसा है, ताकि उसके बेसिस पे वो सही कैंडिडेट चूज कर सके उसकी बेबी का फादर, डोनर बनने के लिए। पर इनमें से भी कोई वेई को परफेक्ट नहीं लगता। एक दिन ऑफिस की एक एम्प्लॉई, जिसे वेई ने जॉब से निकाल दिया था, उस पे पेपर कटर से अटैक देती है, लेकिन तभी शाओबो उसे बचा लेता है, जो वहां कुछ डिलीवर करने आया था। और उस एम्प्लॉय को देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन मार्शल आर्ट डिसाइपल रह चुकी है। बाद में जब उस एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वेई ने उसे चुपचाप जॉब से निकालकर उस पे एहसान किया, क्योंकि उसने ऑफिस में फ्रॉड किया था और उसे जेल जाना चाहिए था, जिस पे वो एम्प्लॉय बोलती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने फ्रॉड इसलिए किया क्योंकि उसके पैसे की जरूरत थी, उसका एक साल का एक छोटा बच्चा है जिसे उसे संभालना है, साथ ही उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बच्चे की कस्टडी के केस का खर्चा भी उठाना है। ऐसे में अगर उसकी जॉब चली गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, जिस पे वेई उसे जॉब से तो निकालती है पर फोर्सफुली नहीं, उससे रेजिग्नेशन साइन करवा के, और उसे 3 महीने की सैलरी भी देती है और नेक्स्ट जॉब मिलने तक उसे कुछ पैसों की हेल्प करती है। साथ ही उसके बच्चे की कस्टडी का केस देखने के लिए उसे अपने लॉयर की भी हेल्प देती है। यानी कि वेई जितना लोग समझते हैं उतनी बुरी है नहीं, और शाओबो को भी वो काइंड हार्टेड लगती है। वेई को लगता है कि शाओबो भी असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है, पर वो इसे मना करता है, लेकिन वेई उसे इम्प्रेस होती है और उसे अपॉइंट कर लेती है। और चूंकि उसे जॉब में सैलरी अच्छी मिल रही थी, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद विवान उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, जो वो बिना पढ़े ही साइन कर देता है सिर्फ हाई सैलरी देखकर। और विवान उसे उसका काम बताती है कि अभी उसे 20 दिन के ट्रायल पे रखा गया है, जिसमें उसे हमेशा सूट पहनना होगा, अपने साफ सफाई और क्लोथिंग पे ध्यान देना होगा। उसकी जॉब 24 घंटे की होगी और जब भी वेई को उसकी ज़रूरत हो उसे प्रेजेंट होना होगा। वो वेई को रोज़ घर से पिक करेगा और ड्रॉप करेगा, और साथ ही उसे पंचुअल भी बनना पड़ेगा। वेई के हर पर्सनल नीड का ध्यान भी रखना होगा, और अगर इसमें वो एक बार भी फेल होता है तो उसका ट्रायल पीरियड तभी ख़त्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद से शाओबो अपनी पूरी कोशिश करता है अपना काम परफेक्टली करने की, लेकिन तो भी वेई उसे सुनाती ही है। अभी तक शाओबो को उसकी रियल जॉब नहीं पता है, वो तो बस एक असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। वेई को बहुत चीज़ों से फोबिया है, जिसमें से एक था छोटी जगह का फोबिया, और इसलिए वो लिफ्ट में घबराती है। तो उसके लिए लिफ्ट में परफ्यूम स्प्रे की जाती है, ताकि उसमें वो सी साइड पे होने जैसा फील कर सके। एंड शाओबो वॉज लाइक, इतनी बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। एक दिन जब शाओबो वेई को उसके ऑफिस छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था, और वेई उसे बहुत सुनाती है कि उसे पहले ही ट्रैफिक रूट चेक कर लेना चाहिए था। दरअसल आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें अगर वो लेट हुई तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है।
तो शाओ बो अपने फ्रेंड से मंगवाता है अपनी बाइक और वेई को उसके साइड कार में बैठाकर उसके ऑफिस छोड़ता है। और चूंकि वेई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो वैसा ही करती है, पर पूरे रास्ते उसका चेहरा देखने लायक था। शी वॉज लाइक अभी मरी कि कभी मरी। उसके बाद शाओ बो उसे उसके ऑफिस छोड़ता है, जहाँ बिल्डिंग के बाहर ही उनकी मुलाकात क्लाइंट से हो जाती है, जिसे लगता है कि वो बाइक वेई की है। तो वो बाइक की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी चॉइस बिल्कुल उसकी जैसी है, उसे भी विंटेज बाइक्स एंड कार का शौक है। और मौका पाकर वेई भी बोलती है कि उसने तो ये बाइक बस ट्रैफिक से बचने के लिए रखी है, इसे कहते हैं मौका परस्त इंसान। खैर, फाइनली वेई की वो डील हो जाती है और वो शाओ बो के काम से भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में विवान शाओ बो को उसके हेल्थ चेकअप के लिए लेकर आती है, ये बोलकर कि ऑन फील्ड उसका काम अच्छा है। अब उसके हेल्थ चेकअप की बारी है, जिसके बेसिस पे उसे प्रमोट किया जाएगा, जिस पे शाओ बो पूछता है कि क्या उसे प्रमोट करके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, जहां उसे लेडीज क्लाइंट के साथ ड्रिंक करनी होगी, ये कैसा हेल्थ चेकअप है। तो विवान बोलती है कि प्रमोशन तो उसे मिलेगी, पर सैलरी इंक्रीज के फॉर्म में इवन उसे हॉलीडेज पे और बोनस भी मिलेगा। जिसके बाद शाओ बो हेल्थ चेकअप के लिए तैयार हो जाता है। गधे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में शाओ बो को बताया जाता है कि वो फिजिकली और मेडिकली बिल्कुल परफेक्ट है। और फाइनली उसे बताते हैं कि उसे चूज किया गया है वेई के बेबी का फादर बनने के लिए, जो सुनकर शाओ बो बोलता है कि उसे पहले ही डाउट था, पर उसे लगता है कि वो लोग रिलेशन में कुछ ज्यादा ही तेज जा रहे हैं, अभी दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। पर वेई बोलती है कि वो कोई गलत फहमी ना पाले, उसे स्पर्म डोनेशन के लिए हायर किया गया है, बाकी उसे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए। जिस पे शाओ बो को लगता है कि वेई और विवान लेस्बियंस हैं, पर विवान क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग शुरू से ही एक असिस्टेंट नहीं बल्कि डोनर ढूंढ रहे थे। पर शाओ बो बोलता है कि वो दोनों पागल हैं और वहां से जाने लगता है। पर तभी वेई बोलती है कि वो इसके बदले उसे बड़ी अमाउंट देगी, जिसके बाद शाओ बो भी मान जाता है क्योंकि पैसे तो उसे चाहिए ही थे। तो नेक्स्ट सीन में विवान उसे फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, जिसके अकॉर्डिंग उसे सारी बात सीक्रेट रखनी होगी। उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे कैसे कपड़े पहनने होंगे, क्या खाना खाना होगा, अपनी हेल्थ मेंटेन कैसे करनी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसके प्रीवियस रिलेशन के बारे में जानने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से कॉन्टैक्ट करते हैं, जो बाद में शाओ बो से लड़ाई करती है और बोलती है कि वो चाहे अपनी लाइफ में जो करे पर उसे अपने काम से दूर रखे। और उसकी इंसल्ट भी करती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शाओ बो अभी क्या कर रहा है, जो बात ऑब्वियसली शाओ बो को बुरी लगती है। और नेक्स्ट सीन में उसे ड्रिंक करते देखते हैं, तो वेई भी उसके पास आती है और उसके साथ ड्रिंक करती है और सॉरी बोलती है कि उसके लोगों की वजह से उसकी एक्स को उसके डोनेशन के बारे में पता चल गया और उससे उसके ब्रेकअप की वजह पूछती है। फिर शाओ बो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और ना ही वो एक फैमिली मैन बन सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी एक फैमिली चाहता है जिनके साथ वो अपनी बात शेयर कर सके, जिनकी केयर कर सके। और वेई उसकी बातों से इम्प्रेस होती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि कोई भी लड़का किसी रिलेशन में बंधकर नहीं रह सकता, लेकिन शाओ बो वैसा नहीं था। एक रात वेई शाओ बो को अपने घर बुलाती है और उसे लगता है कि उसने उसे किसी खास काम से घर बुलाया है, यानी कि दोनों साथ नाइट स्पेंड करने वाले हैं। और वो अपनी पूरी तैयारी में लग जाता है, पर वेई बोलती है कि वो कुछ भी गलत ना समझे, उसने उसे सिर्फ ट्यूबलाइट चेंज करने के लिए बुलाया है, तो वो उसे चेंज करे और निकल जाए। अच्छा, वेई साफ सफाई को लेकर कितनी पागल है इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि उसके बाथरूम में दो साबुन थे, एक जिससे शाओ बो अपना हाथ धुलेगा और दूसरा जिससे वो साबुन धुलेगा जिससे शाओ बो अपना हाथ धोएगा। आई होप आप समझ गए। मैडम, इससे अच्छा तो हैंड वॉश ही रख लेते। नेक्स्ट डे वेई का एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका नाम फेंग है, उसे मिलने आता है। वेई ने उसे किसी और के साथ देख लिया था, जिसके बाद उसे ब्रेकअप कर लिया। बट अभी फेंग उससे माफ़ी मांगता है और उससे एक और चांस मांगता है, जिसपे वेई उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। पर फेंग फिर भी उसे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि उसने उसे सिर्फ एक बार चीट किया है, तो उसे इवन करने के लिए अगर वो चाहे तो वो भी उसे एक बार चीट कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, पर वो उसे छोड़े नहीं। जो सुनकर मैं तो स्क्रीन में घुसकर इसे पीट देती, पर वही काम वेई कर देती है। और तभी वहाँ शाओ बो आता है और वेई उसे फेंग को बाहर निकालने को बोलती है और फेंग उन दोनों की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वेई शाओ बो को थैंक यू बोलती है एंड शाओ बो वाज लाइक मैं तो बस अपना काम कर रहा था जी। नेक्स्ट सीन में वेई उसे लेकर आती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ उसके डैड एडमिट है जिन्हें भूलने की बीमारी है, जो वेई को अपनी वाइफ समझते हैं और उससे उनकी बेटी यानी वेई के बारे में पूछते हैं। यहाँ डॉक्टर वेई को बताता है कि उसके डैड की हालत और खराब हो रही है, यहाँ कोई उनका ध्यान नहीं रख पा रहा क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते
होते तो उसे उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए, पर वेई बोलती है कि वो लोग और केयर टेकर बढ़ा ले, वो अपने डैड को अपने साथ नहीं रख सकती। हालांकि उसके डैड भी उसके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अभी भी छोटी है और वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, पर वेई उन्हें इग्नोर करती है। लेकिन शाओ बो भी उसे समझाता है कि वो अपने डैड के साथ ऐसा ना करे, पर वेई उसे उसके मामलों से दूर रहने को बोलती है। लेकिन नेक्स्ट डे शाओ बो वेई को ऑफिस से पिक करने की जगह उसके डैड को उसके घर ले आता है, जो देखकर वेई उस पर बहुत गुस्सा करती है। तो शाओ बो बोलता है कि माँ बाप अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और जब माँ बाप को उनकी देखभाल की ज़रूरत होती है तो बच्चों को अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। पर वेई बोलती है कि वो उसके फैमिली और उसके डैड के साथ उसके रिलेशन को नहीं जानता, तो वो इसमें ना पड़े। जिस पे शाओ बो बोलता है कि वो सच में एक हार्टलेस इंसान है और वो कभी भी उसके जैसी लेडी को अपने बच्चे की माँ नहीं बनने देगा, और क्विट करके वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे उसे एक नोटिस मिलती है कि वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, वरना उसे भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जिसके बाद वो वापस से जॉब ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि पेनल्टी भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए बोलते हैं कि बिना पेपर्स को पढ़े साइन मत कीजिए। यहाँ वेई उसे अपनी लाइफ के बारे में भी बताती है कि वो वैसी नहीं है जैसा वो उसे सोचता है। उसे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके डैड ने अपनी मेहनत से अपनी खुद की एक कंपनी खोली थी, लेकिन साथ ही वो उसकी मॉम को चीट कर रहे थे। और जब उसकी मॉम को ये बात पता चली तो उसके बाद से उसके डैड का बिहेवियर उसकी मॉम की तरफ बदल गया। वो उन पे चिल्लाने लगे, उन पे हाथ उठाने लगे, और वो बस चुपचाप ये सब कुछ देखती रही, जिसका डर उसके अंदर ऐसा बैठा कि आज भी वो डर उससे नहीं निकल पाया। वो आज भी सफोकेटिंग जगहों से डरती है, ज़्यादा शोर शराबे से डरती है। और उसकी मॉम काफ़ी सेंसिटिव थी, तो एक दिन उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया क्योंकि उसके डैड ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो अपने डैड के साथ रहने लगी। पर वो रोज़ अपने साथ दूसरी लेडीज़ लेकर आते थे और वो इन सब से दूर जाना चाहती थी, जिसके बाद उसे फ्रांस के एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ाई के लिए फ्रांस चली गई। अपनी पढ़ाई के बाद उसे एक कंपनी में जॉब लगी, जिसके बाद वो चाइना वापस आकर अपने डैड से उनके फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे उनके साइन लिए और साथ ही उनके साथ अपने बाप और बेटी के रिलेशन को भी ख़त्म कर दिया, जिसके लिए उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि उन्हें भी अब उससे कोई प्यार नहीं था। लेकिन कुछ सालों बाद उसे उसके डैड की बीमारी की खबर मिली और अब वो घर वापस आना चाहते थे अपनी फैमिली के पास, वो घर और वो फैमिली जिसे उन्होंने खुद ही बर्बाद कर दिया। वो शाओ बो से बोलती है कि लोग उसे कहते हैं कि वो अपने डैड की तरह हार्टलेस है, वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पे उसके डैड, जिन्हें शायद अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, वो बोलते हैं कि पास्ट में उन्होंने उसके और उसकी मॉम के साथ गलत किया है और इसलिए उसे सॉरी भी बोलते हैं। और चूंकि अब वो शाओ बो के साथ है तो उन्हें भरोसा है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, और वहाँ से जाने लगते हैं। उनको लगता है कि वेई और शाओ बो रिलेशन में हैं। बाद में दोनों को ड्रिंक करते देखते हैं और वेई बोलती है कि कंपनी में लोग उसे जो बुलाते हैं उसे पता है, पर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो अपने एम्प्लॉय की जॉब नहीं बचा पाएगी। उसके ऊपर भी लोग हैं जो अच्छे से काम ना करने के चलते उसके एम्प्लॉयज़ को डिसमिस कर सकते हैं, इसीलिए वो खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रिक्टनेस बनाए रखती है। और ये सब जानकर शाओ बो को भी लगता है कि वेई जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बल्कि वो सबकी केयर करती है। उसके बाद वेई उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो शाओ बो उसे अपने भतीजे के प्रॉब्लम के बारे में बताता है और ये भी कि उसे पैसों की क्यों ज़रूरत है। बताता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी भाभी अकेले उसके भतीजे का ख्याल रखती है, इसीलिए उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है। और वेई को उसका ये फैमिली मैन वाला नेचर अच्छा लगता है। दोनों रात भर साथ में ड्रिंक और बातें करते हैं और सुबह एक दूसरे को हग करके सोया हुआ पाते हैं। और वेई तुरंत से बोलती है कि वो कुछ भी गलत ना समझे, दोनों के बीच रात कुछ भी नहीं हुआ था, दोनों ने सिर्फ ड्रिंक की है, और जल्दी से ऑफिस चलने को बोलती है। लेकिन जब वो ऑफिस आते हैं तो शाओ बो को विवान से पता चलता है कि उसे वेई के साथ फ्रांस जाना होगा, जहां वो प्रेगनेंसी वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, यानी वेई प्रेगनेंसी के लिए तैयार थी। जिसके बाद दोनों फ्रांस आते हैं, जहां वेई अपनी फ्रेंड सोफी से मिलती है जो वहां डॉक्टर है और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती है। सोफी जब शाओ बो को वेई का ख्याल रखते देखती है तो उसे सजेस्ट करती है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस की जगह उसे नेचुरल प्रोसेस का ट्राई करना चाहिए, यानी वो वेई को शाओ बो के साथ उनके रिलेशन को एक चांस देने को बोलती है। पर वेई इसे मना करती है और बोलती है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और फाइनली प्रोसेस करवा ही लेती है। बाद में उसे और शाओ बो को एक साथ बातें करते देखते हैं और शाओ बो उसे बोलता है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे, वो एक अच्छी माँ बनेगी।
पर वे ही बोलती है कि उसे डर लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं, कहीं उसके बच्चे को भी उसकी तरह ढेरों बीमारियां ना हो जाएं। यहाँ बीमारी से उसका मतलब चाइल्ड ट्रॉमा एंड फोबिया से था। साथ ही उसे ये भी डर लगता है कि बड़ा होकर अगर उसका बच्चा उसके फादर के बारे में पूछेगा तो वो उसे क्या रिप्लाई देगी। अब ये तो प्रोसेस से पहले सोचना था ना। तो शाओबो बोलता है कि वो समझ गया, वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसका और बेबी का ख्याल रखेगा। जिस पे वेई बोलती है कि वो ज़्यादा ना सोचे, वो बस एक परफेक्ट स्टोरी सोच रही है जो वो अपने बच्चे को उसके फादर के बारे में बताएगी, बाकी उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड शाओबो वॉज लाइक, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी एक स्टोरी बना देंगे। हालांकि वो थोड़ा बहुत हर्ट तो ज़रूर था, पर वो वेई को फोर्स भी नहीं करना चाहता था क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में थे। पर उसे एक स्टोरी बताता है जो वो उनके बेबी को बताएगी कि वो एक पैरा ट्रूपर था जो यंग ट्रूपर्स को ट्रेनिंग देता था, पर एक बार एक ट्रूपर ट्रेनिंग के दौरान नर्वस हो गया और जंप करने के बाद बेहोश हो गया, और उसे बचाने के लिए उसने भी जंप किया और उस ट्रूपर की जान बचाने पर एक्सीडेंटली उसे चोट आ गई और वो अपना पैराशूट ओपन नहीं कर पाया और सीधा नीचे गिर गया जिसमें उसकी डेथ हो गई। और कहता है कि ये स्टोरी सुनकर उसका बच्चा उस पर प्राउड फील करेगा, उसे ब्रेव और हीरो समझेगा और वो उसे ये भी ज़रूर बताए कि वो उसे बहुत प्यार करता था। शाओबो की ये स्टोरी सुनकर वेई को लगता है कि शायद वो शाओबो के साथ गलत कर रही है, वो अभी से ही इमोशनली अपने बच्चे के साथ अटैच हो गया है और शायद से उसे दोनों को एक चांस देना चाहिए। कुछ दिनों बाद सोफी वेई को गुड न्यूज़ देती है कि फाइनली वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो और शाओबो दोनों बहुत खुश होते हैं और शाओबो उससे उसका और बेबी का ख्याल रखने की परमिशन मांगता है, पर वे उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन जब वो उसे दूसरे बच्चों के साथ अटैच और खुश देखती है तो एक बार फिर से अपने फैसले पे सोचती है कि क्या उसे दोनों को एक चांस देना चाहिए, और उसकी फ्रेंड भी उसे उन दोनों को एक चांस देने का सजेस्ट करती है। लेकिन वेई का ज़िद्दी कैरेक्टर उसे ऐसा नहीं करने देता, वो पिछले रिलेशंस में इतने धोखे खा चुकी है कि अब उसे किसी पे विश्वास नहीं रहा, और रात वो शाओबो को वापस उसके घर यानी चाइना चले जाने को बोलती है। लेकिन नेक्स्ट डे जाने से पहले शाओबो उससे बात करना चाहता है, उसे फिर से अपने फैसले पर एक बार सोचने को कहना चाहता है। हालांकि बात वेई भी उससे करना चाहती है पर जानबूझकर उसे अवॉइड करती है और बस उसे जाता हुआ देखती है। नेक्स्ट सीन में शाओबो वापस चाइना आ चुका था जहां उसके भतीजे का ऑपरेशन होता है और अब वो सुन सकता है। शाओबो फिर से अपने कुरियर सर्विस को ज्वाइन कर लेता है और हमेशा वेई को मिस करता है, उसके डिलीवरी के दिनों को काउंट करता है। वो धीरे धीरे वेई को लाइक करने लगा था और उसके और अपने बेबी के साथ रहना चाहता था। वो बेबी के लिए अपने हाथों से एक फ़ोटो एल्बम भी बनाता है और एक दिन उसे वेई के पास फ्रांस भेजता है, और जब वेई उस फोटो एल्बम को देखती है तो वो एक स्टोरी की तरह थी जिसमें उसने अपने बच्चे के लिए बताया था कि जब उसके पेरेंट्स पहली बार मिले थे तो दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र वाला प्यार हो गया और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, और एक दिन वो उनकी लाइफ में आया जिसने उनकी दुनिया और हैप्पी कर दी। पर अब वो उसके साथ नहीं है, वो चाहता था कि वो उसे इस दुनिया में आते देखे, पहली बार उसे चलते देखे, स्कूल के पहले दिन उसके साथ हो, उसके कॉलेज के पहले दिन, उसका ग्रेजुएशन, उसकी शादी, वो हर टाइम जो उसकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर हो वो हमेशा उसके साथ रहे। पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उससे दूर कहीं आसमानों में है, पर वो जहाँ कहीं भी है वो उसे देख रहा है और उसे बहुत प्यार करता है। और उस एल्बम के लास्ट पेज पे उसने एक रिंग भी रखी थी। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी पर शाओबो अपने बेबी के लिए इसे सच बनाना चाहता था ताकि वो कभी भी उसे मिस ना करे, और वे ये सब कुछ देखकर बस रोती रहती है। एक दिन सोफी और उसका हस्बैंड देखते हैं कि घर में सभी सामान बिखरे पड़े हैं और वे गायब है, तो वो उसे हर जगह ढूंढते हैं और फाइनली उन्हें वे का पता चलता है तो उसे लाने जाते हैं। लेकिन तभी शाओबो वहां आ जाता है जिसे सोफी नहीं बुलाया था, और वो वेई के बारे में पूछता है तो सोफी उसे बताती है कि वेई अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे से ख्याल रख रही थी लेकिन बेबी के लिए सारे काम वो खुद से ही करना चाहती थी, यहाँ तक कि उसके रूम की डेकोरेशन भी। लेकिन उसकी बॉडी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में चली गई और खुद को ब्लेम करने लगी। वो किसी से मिलती भी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों पहले उसे उसकी फ़ोटो एल्बम मिली जिसे देखकर वो पहली बार रोई, तो उन्हें लगा कि अब वो ठीक हो जाएगी, और तभी उन्होंने उसे वहां बुलाया भी क्योंकि एक वही है जो उसे संभाल सकता था, पर आज वो अचानक से कहीं गायब हो गई। उसके बाद वो एक लाइट हाउस के पास आते हैं जहां वो वेई को माउंटेन क्लिफ पे खड़ा पाते हैं जो अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहती थी। पर शाओबो उससे बात करता है, उसे समझाता है कि वो खुद को ब्लेम ना करे, उसे जो बात करनी है वो उसे कर सकती है, चाहे तो वो उस पर चिल्ला सकती है, उसे मार सकती है, पर कोई गलत कदम ना उठाए। पर वे खुद को ब्लेम करती है कि उसकी वजह से उसका बेबी इस दुनिया में नहीं आ पाया,
उसने अब तक अपनी लाइफ में इतने लोग खोए हैं कि अब वो जीना नहीं चाहती और वो इस लॉस वाली फीलिंग को नहीं समझ सकता। जिस पे शाओ बो उसे बोलता है कि वो उसे समझ सकता है। जो पैरा ट्रूपर वाली कहानी उसने उसे सुनाई थी वो उसके भाई की थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को जंप करते, जमीन पर गिरते और दम तोड़ते देखा था। उस पल उसे लगा कि काश वो इस दुनिया से चला जाता, पर कई बार जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता और हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी हमें छोड़कर जाते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें देख रहे होते हैं और वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो इस दुनिया से जाना चाहती है तो वो भी उसके साथ जाएगा। और वेई को लेकर शाओ बो भी क्लिफ से जंप कर देता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पैराशूट से ऊपर आते हैं। एंड आई वॉज लाइक, नहीं मजाक हो रहा है, ये पैराशूट इसके पास कहाँ से आई। उसके बाद उसी पैराशूट से वो दोनों एक चर्च के सामने लैंड करते हैं, वो भी एक दूसरे को किस करते हुए। तो चर्च के फादर भी दोनों को प्राइवेसी देने के लिए कवर कर देते हैं, लाइक टेक योर टाइम, हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं। उसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे आती है और हम दोनों को उनकी ट्विन डॉटर्स के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह इंजॉय करते देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।